लाइन आप बता दी, हम जाते ही सर। एक्सरे मशीन और ऑपरेटर कब तक आ जाएगी? बात करके बता सकता हूँ मैं, अब ये कह दूँ कि कल आ जाएगी तो हमें क्यों उठा गिरो, बात करेंगे। नहीं, ये ऊपर डिपार्टमेंट से और एक जो जो भी रस्ते चल रहे हैं, बार बार कंप्लेन कर दी है। अभी हम उद्घाटन करके आए हैं, आपको फोटो दिखाता हूँ और आगे चल भूल गया पूरा। अगर आप एक इंच उसमें मार दिखा दो आप बहुत मंजूर है, इतने उद्घाटन करने की याद से आगे लेके गया फूल गया पूरा रोड में लग गया। इतनी सिर्फ थी आधा इंच से भी कम उसमें मार कर टूट में जी सफर साहब दो रोड में एक दो रोड वाला रास्ता है, दो रोड वाले रास्ते के ऊपर एक घास मिट्टी डाल दी। अभी बैठ गया, अभी बारिश होती बैठ गया। मैं सभी को फोन कर करके ये सब अगले साहब को कराया था, सबको बता दिया था, लेकिन वो प्योर गड़बड़ करके भाग रहे हैं। बाकी और गाँव की जितनी भी समस्याएं जो सरपंच साहब ने रखी है, माननीय चौधरी धर्मवीर सिंह जी के आशीर्वाद से हम सभी इन कामों को पूरा करवाने का काम करेंगे। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को नमस्कार। हमने आज का प्रोग्राम खेड़ी गांव से लेकर के राजपुरा तक के हमने प्रोग्राम किए हैं। माननीय हमारे चौधरी धर्मवीर सिंह जी सांसद महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा के, लोगों से जो डेवलपमेंट के जो काम हैं, विकास कार्य हैं या लोगों की कोई मूलभूत जो समस्याएं हैं उनको सुनने के लिए हमने इन गांवों में कार्यक्रम किए हैं और कुछ जो विकास कार्य जो हुए थे उनके हमने उद्घाटन भी किए हैं, जिससे हमने मार्केटिंग बोर्ड के, PWD के, पंचायत राज के काफ़ी काम किए हुए थे, उनके उद्घाटन किए हैं। पार्टी के सरपंच प्रतिनिधि और पूर्व सरपंच देवी सिंह ने कहा है कि यहाँ बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला किसी को जिक्र किया गया था अभी अंदर। नहीं, हमारे पास तो कुछ परत तक ठीक से नहीं चढ़ाई गई, कुछ भ्रष्टाचार की बात की गई। नहीं, वो कोई भ्रष्टाचार की थी, वो बारिश में नहीं, बारिश से वो रोड खराब हुआ है, उसको हम ठीक करवाएंगे। इसमें भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं है, भ्रष्टाचार कोई तो हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। उनका कहना ये है कि बिल्कुल हल्की सी परत जो है मेटल के रूप में चढ़ाई गई है। देखो, आम आदमी को तो उसके बारे में कितना कितनी रोड़ी कितना तारकुल क्या होता है आम आदमी को पता नहीं, लेकिन जो नॉर्म्स जो होते हैं जो डिपार्टमेंट के, उस नॉर्म्स के हिसाब से अगर कम होगा तो हम उसकी जांच करवा के हम उसको दोबारा बनाएंगे। हल्का मेटेरियल चढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है, जो नॉर्म्स अगर कम है तो हम कल ही इसको चेक करवा देंगे और अगर इसमें दिक्कत है तो हम दोबारा से बनवाएंगे, इसकी जाँच होगी। हाँ जी, चलिए सांसद जी, आप ये बताइए सर कि जो अटेली है, अटेली CHC में अब तक जो ऑपरेटर नहीं आया और जो मशीन थी एक्सरे मशीन की बात हम कर रहे हैं वो कंडम घोषित कर दी गई है पिछले 3.5 साल से, ऐसा समझ में आ रहा है कि मशीन और ऑपरेटर नहीं है। हमारे पास तो अभी कोई बात आई है, ये अभी एक साथी ने अभी बताया है कि कोई वो एक्सरे मशीन नहीं है, वो तो कंडम तो आप घोषित और अल्ट्रासाउंड, चलो आज आपने बताई है, शायद आप भी नहीं बता पाए हमारे से पहले। मैंने विधायक जी को कई बार बताया। चलो कोई ना, आप बता दी, हम जाते ही सर। एक्सरे मशीन और ऑपरेटर कब तक आ जाएगी? बात करके बता सकता हूँ मैं, अब ये कह दूँ कि कल आ जाएगी तो हमें क्यों उठा गिरो, बात करेंगे। लीजिए ऊपर डिपार्टमेंट से।